नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, REC लिमिटेड की बात करेंगे। दोस्तों PSU कंपनी है, पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। दूसरी तिमाही Q2 FY23 के नंबर्स आने थे 27 अक्टूबर 2022 को, कंपनी की तरफ से अपडेट आ गया है, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। रिजल्ट और डिविडेंड के अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। रेवेन्यू कितना बढ़ा है REC लिमिटेड का, प्रॉफिट कितना आया है दूसरी तिमाही में और डिविडेंड कितना दिया गया है शेयर होल्डर्स को, रिकॉर्ड डेट क्या है, तो इन पॉइंट्स की बात इस वीडियो में करते हैं। अब दोस्तों सीधे से नंबर्स की बात करते हैं। दूसरी तिमाही के ये नंबर्स हैं REC लिमिटेड के, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं सीधे से, Q2 में 9533 करोड़ का है, Q1 में था 9262 करोड़ का, एक साल पहले 30/9/2021 को 9627 करोड़ का, तो सालाना देखते हैं तो थोड़ा बहुत कम है दोस्तों, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बड़ा है। आगे की तरफ चलते हैं और टोटल इनकम की बात करते हैं। अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, तो देखिए 9948 करोड़ का टोटल इनकम है Q2 FY23 में REC लिमिटेड का, और Q1 में था 9468 करोड़ का, एक साल पहले 10078 करोड़ का था दोस्तों, तो सालाना देखते हैं तो कम हुआ है टोटल इनकम, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ कर आया है टोटल इनकम। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं और उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस देखिए 6519 करोड़ का है, तो कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3429 करोड़ का है, और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट जो आया है कंपनी का, नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 2728 करोड़ का है, और Q1 में था 2447 करोड़, एक साल पहले 2738 करोड़ का, तो देखिए प्रॉफिट जो है सालाना देखते हैं थोड़ा बहुत कम ही पेशी है, 10 करोड़ कम है, बट ये कि आसपास ही है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा बढ़कर आया है दोस्तों, मुनाफा बढ़कर आया है 2728 करोड़ का है। आगे की तरफ चलते हैं, और अर्निंग पर शेयर है देखिए इस क्वार्टर में 10.36 का है, और Q1 में था 9.29 का, एक साल पहले 10.40 का था दोस्तों। REC लिमिटेड ने Q2 FY23 के जो नतीजे पेश किए हैं, एक तरह से देखिए ठीक नतीजे हैं, और रेवेन्यू भी बढ़ गया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना थोड़ा बहुत कम है, और मुनाफे की बात करते हैं तो देखिए जो मुनाफा आया है REC लिमिटेड का 2728 करोड़ का आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ गया है। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं, जो अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को, लेकिन इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो है 9 नवंबर 2022, तो रिकॉर्ड डेट 9 नवंबर 2022 है, और जो पेमेंट होगा वो होगा 24 नवंबर 2022, तो ये डिविडेंड का अपडेट है दोस्तों। तो जिनके पास REC लिमिटेड है तो उनको आने वाले दिनों में 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, रिकॉर्ड डेट के अनुसार 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, REC लिमिटेड का ये एक साल का चार्ट है दोस्तों, और 96.60 रुपये में स्टॉक प्राइस है, तो देखिए लास्ट जो ट्रेड हुआ था 95.20 रुपये ओपन हुआ था, 97 रुपया हाई बनाया था, 94.30 रुपये इसका लो है इंट्रा डे का लास्ट ट्रेड, और 52 वीक हाई है 118.88 रुपये, 52 वीक लो है 82 रुपये। बोनस के बाद इसमें बोनस दिया गया था, और उसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है, 100 के नीचे कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो अभी देखिए जैसे कि अभी ये डिविडेंड दिया गया है, इंट्रियम डिविडेंड दिया गया है, तो हमारे अनुसार डिविडेंड लेना चाहिए, और स्टॉक ऊपर की तरफ ये 103.65 रुपये के ऊपर क्लोज होता है तब इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है, 108.60 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा, 108.60 रुपये के
ऊपर क्लोज होगा तब फिर ये फिर 110 115 तक जाएगा, और नीचे का जैसे कि अब अभी ये नीचे की तरफ है 91 रुपये 90 पैसा 90 रुपये के नीचे स्लिप होगा तो थोड़ी बहुत कमजोरी बढ़ सकती है। तो इस तरह का इसका रेंज रह सकता है दोस्तों। तो डिविडेंड वाला स्टॉक है ये RSE लिमिटेड, डिविडेंड अच्छा मिलता है रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, और पावर सेक्टर की कंपनी है। और जैसे कि नतीजे भी देखे तो नतीजे देखिए एक तरह से क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ कर आया है, रेवेन्यू भी मुनाफा भी, और सालाना देखते तो थोड़ी बहुत कमी पेशी है। तो ये शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस है, और दूसरी तिमाही के जो नतीजे थे उसका अपडेट था, साथ में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया गया है 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो ये RSE लिमिटेड का अपडेट है दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।